गुड मॉर्निंग गाइस, और इस समय आप लोग बैठे हो मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू किया सेल्टोस में, और यहाँ का कवर तो हमने निकाल दिया, अब ये वाला और निकालना है ऊपर वाला। और आज का जो दिन है वो काफ़ी बिजी होने वाला है, इनफैक्ट अभी लगातार 2-3 दिन काफ़ी बिजी होने वाले हैं, और हमें दिल्ली भी जाना है। और दिल्ली में मैं इस बार एक बहुत ही अच्छे होटल में रुकने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे अभी रीसेंट ब्लॉग्स देखते रहना। ताज पैलेस न्यू दिल्ली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन दिल्ली है, उसमें हम रुकने वाले हैं। मेरा बहुत समय से मन था कि मैं रुकूं उसमें, तो बने रहिए, आपको अब 2-3 ब्लॉग्स बड़े एक्साइटिंग मिलेंगे, और कुछ कुछ हम ज्यादा खाना खाएंगे वो सब भी मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं रुचि को जिम छोड़ने, अभी मैं उठाई हूँ सुबह सुबह रुचि को, अब जिम विम छोड़ के उसके बाद कुछ कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए। और किया में ये स्कफ प्लेट लगवा दी है सेल्टोस की, यहाँ पर इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी में। तो अभी तक डैश कैम जो है वो गाड़ी में नहीं लग पाया है, तो मुझसे कई फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि किया में आपने क्या मॉडिफिकेशंस कराई है, तो अब तक स्कफ प्लेट लगवाई है और एक दो चीज़ें कराई हैं, पर अभी डैश कैम वाला मेजर काम अभी होने वाला है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी की, तो देखो बॉडी इस समय सही शेप में, शोल्डर्स काफ़ी अच्छे उठ चुके हैं अब यहाँ पर, मतलब प्रोग्रेस सही चल रही है, और डाइट ऑन पॉइंट तो नहीं है पर ठीक ठाक है, 6 में से 4 मील्स तो क्लीन जा रहे हैं बॉडी के अंदर। तो आप रुचि को छोड़ के दिन की शुरुआत करते हैं। चलो रुचि को जिम उतार दिया है, अब लेने आना होगा, मौसम हो रखा है बहुत ही शानदार, और ये गाड़ी की जो पन्नी ना उतारे ना, समझ जाओ कि वो ट्रू इंडियन है। तो हमने अब तक नहीं उतारी है इसकी, मुझे रुचि बोलते रहे उसको उतार लो, मैंने कहा नहीं यार ये नई गाड़ी में ये रहन दो। इनफैक्ट अभी तक यहाँ की पन्नी भी नहीं उतरी है, आप देख सकते हो ये पन्नी भी अभी नहीं उतरी है गाड़ी की, ये भी यहीं है, उसके अलावा ये वाली पन्नी भी गाड़ी की नहीं उतरी है सामने वाली, और ये भी यहीं है। अब थोड़ा तो नयापन रहन दे नई गाड़ी में, आदमी ब्रांड न्यू कार जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं 0 किलोमीटर, जो कि 0 किलोमीटर होती नहीं है, बट मतलब आप शोरूम से निकालते हो तो उसको लोग 0 किलोमीटर ही बोलते हैं, या ब्रांड स्वाइन की न्यू बोलते हैं, जो भी है। तो अभी इसको गाड़ी को चला दिया अराउंड 318 किलोमीटर, टाइम भी मैंने अब तक सेट नहीं करा है, 10.2 यानी कि 10.2 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, विच इज़ गुड इनफ फॉर न्यू का, और स्पेशली फॉर किया सेल्टोस, क्योंकि लोग किया में एवरेज थोड़ा कम निकालते हैं, क्योंकि एक तो इसकी पावर अच्छी है चलाने में, चलो थोड़ा तेज भगाते हैं, पर हम अच्छी एवरेज निकाल पा रहे हैं इसकी 10.2, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली 10.2, बिकॉज अगर आप रियल टाइम में बात करो तो इट्स अराउंड 9.2, एक का आप डिफरेंस मान के चलो। तो ये चल रहा है, अब चलते हैं, आज मेरा मूड हो रहा है, क्योंकि आज अभी ऑर्डर जो सुबह के थे वो सारे पैक हो चुके हैं, तो मेरा मूड है अब आज नेक्सॉन में हवा कम हो रही, तो नेक्सॉन में पहले हवा डलवा लें। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो वो इस घर से आता है, अगर आप देख सको तो इसके अंदर लैम्बोर्गिनी उरुस पर्ल कैप्सूल खड़ी, आप ऑरेंज कलर की गाड़ी देख सकते हो, और ये मेरा मोटिवेशन है। मैं जब भी निकलता हूँ उस घर के सामने से ही, मेरी गली के पीछे वाले गली में ये घर है मेन रोड पर, और मुझे यहाँ लैम्बोर्गिनी उरुस दिखती है, आगे कई और ऑडी भी दिखती है, कन्वर्टेबल पोर्शा भी इस घर में है, तो ये घर जो है ना ये मेरा मोटिवेशन है, मतलब मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ मैं इन गाड़ियों को देखते हूँ, विजुलाइज करता हूँ कि एक दिन मेरे घर में भी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हों। सो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ मोटिवेशन, ये घर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा घर चाहिए, उसमें एग्जैक्ट ऐसी गाड़ियाँ चाहिए, लैम्बोर्गिनी उरुस पर्ल कैप्सूल अंदर खड़ी है, मैं एक वीडियो में डाल भी चुका हूँ, शॉर्ट्स में भी है, इस घर के सामने से मैंने उसका वीडियो लिया था, लैम्बोर्गिनी का ये लोग ही ओन करते हैं, और जयपुर की पहली लैम्बोर्गिनी उरुस पर्ल कैप्सूल बिल्कुल रणवीर सिंह के कलर में, तो ये मेरा मोटिवेशन है। अब चलते हैं नेक्सॉन में हवा डलवा दें, ताकि एक काम ये भी ख़त्म हो जाए, और ये कुछ ऑर्डर यहाँ पड़े हैं और कुछ यहाँ पर हैं, ये सब आज जाएंगे, इन सब कुछ पैक हो गए हैं, कुछ ऊपर भी हैं, तो आज ये सारे ऑर्डर्स निकलेंगे। और नेक्सॉन में हवा डलवाने से पहले मैं लेने वाला हूँ प्रोटीन शेक, तो मैं आजकल ले रहा हूँ फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन, और कल मुझे दिल्ली में काम है, बिजनेस मीटिंग है, तो इसलिए जाना, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में हवा डलवा के रख लेता हूँ, मैं गाड़ी थोड़ा एक्सेसिव प्यार करता हूँ, तो अब चलते हैं नेक्सॉन में हवा डलवाते हैं नाइट्रोजन। और नेक्सॉन जो है वो शुरू कर ली गई है अब, और अब लगभग मैं इसको 2-4 मिनट रखूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गाड़ी को शुरू करने के बाद 2-4 मिनट बिल्कुल खड़े रखें, और तभी आपका इंजन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और टिकेगा। तो अब नेक्सॉन में हवा डलवाते हैं, तो
कल मैं आपको दिल्ली में अपना स्टे दिखाने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी अगले पार्ट के लिए बने रहिएगा। ताज पैलेस वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, और हम लोग कहीं बाहर भी जाएंगे खाना खाने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने प्रीवियस जो मेरी बिजनेस मीटिंग का मैंने ब्लॉग बनाया था दिल्ली में, उसमें दिखाया था आपको मैंने पूरा कनॉट प्लेस में हमने कहाँ का खाना खाया था, मैंने सब दिखाया था। तो अभी ये गाड़ी में हवा डलवा कहता है नाइट्रोजन, क्योंकि शायद 1.5-2 महीने से नहीं डली है। उसके बाद शाम को मुझे अमेज लेके जानी है अपनी, और उसमें भी हवा डलवानी है, उसमें भी नहीं डली हुई है। तो आज का जो दिन है वो थोड़ा गाड़ियों को डेडिकेट किया जाता है, क्योंकि 1.5-2 महीने से गाड़ियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत बिजनेस का भी सीजन चल रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं था। आज मैंने देखा बिल्कुल नेक्सॉन में हवा नहीं है, उन्होंने कहा चलो डलवा कर आता, किसी को अगर पीछे से निकालनी पड़े तो भैया हवा ही नहीं है गाड़ी में। तो अब चलते हैं नाइट्रोजन डलवाने, थोड़ा दूर है क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ी दूर डलती है। तो जाते हैं यहाँ एक पेट्रोल पंप, रमादा होटल के सामने डलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप राजा पार्क में रहते हैं तो मेरी तरह, तो रमादा होटल के सामने डलती है पेट्रोल पंप पे। और सेल्टोस को कर दिया आगे खड़ा, और आज आप देख सकते हो वेदर हो रखा है बड़ा शानदार, ग्लूमी सा वेदर है जैसे यूरोप में रहता है, वैसे आज जयपुर में है। तो ये जयपुर का मानसून है, और आप चलते हैं इसमें हवा डलवाते हैं, फिर रुचि को पिक करके घर वापस लेके आते हैं। और बॉडी की अपडेट मुझसे कुछ लोग मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं उसकी भी अपडेट दे दूं। तो देखो बॉडी धीरे धीरे बन रही है, और जिम थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स काफ़ी हो रही हैं समय पे, और इस समय राखी का सीजन है। तो अगर आप देखेंगे तो हम राखियाँ भी बेचते हैं, तो राखियाँ इतनी सारी जा रही है इस सीज़न में कि अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा लोग राखियों पे गिफ्ट्स भी ऑर्डर कर रहे हैं हमसे, तो ये सीज़न जो रहता है 1-2 महीनों का, मतलब राखी सीज़न या दिवाली, इस पे जिम थोड़ा ऐसी बेकार सा चलता है मेरा। पर ठीक है, बिजनेस पहले आता है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो अब बहुत अच्छा वेदर है, चल के पहले इसमें हवा डलवा लें। तो अब मैं रुचि को लेने आ चुका हूँ उसके जिम में। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है, तो हर की एंटरप्रेन्योर की लाइफ दूसरे से अलग होती है, हर का बिजनेस शेड्यूल अलग होता है। ये मेरा डैश कैम बंद हुआ है जो कि इनफैक्ट ख़राब हो चुका है, उसको ठीक कराना है। तो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ दूसरे से अलग होती है। जैसे हम लोग का सिस्टम क्या होता है, सुबह सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को देखना होता है जो जा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हम जिम जाते हैं। तो हमारा कोई 10-to-5 काम नहीं होता है, तो अलग काम होता है, अलग तरीके से काम होता है बिजनेस का। अब जैसे कल बिजनेस मीटिंग है मेरी इंपॉर्टेंट, तो आज मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा, पहले भी ढंग से शेव वे बना के, हेयर कट लेके प्रॉपर तरीके से उस प्रिपेयर करूँगा, अपने आप को मीटिंग के लिए प्रिपेयर करूँगा कि मुझे क्या क्वेश्चंस मेरी तरफ आ सकते हैं, और मीटिंग के हिसाब से जो बेसिक प्रिपरेशन होती है जो हमेशा कहता हूँ वो करनी चाहिए, वो करूँगा आज। और मैं हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ रुचि को लेके दिल्ली, तो गाड़ियों में हवा होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, कल को घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो एकाएक इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरा जो स्केड्यूल है जो हर दिन अलग होता है, मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कल दिल्ली जाना है तो आज काफ़ी ऑर्डर्स कल के भी आज ही हम लोग बुक करवा के रख देंगे ताकि वो चले जाएं। तो ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, एंटरप्रेन्योर का भी होता भी नहीं है, अदर देन कि आप मुकेश अंबानी साहब हो, कि आपका एक रूटीन बन चुका है, उस लेवल का रूटीन आपका बन चुका है, आप अरबपति हैं। हम जैसे लोगों को तो कुछ भी काम कभी भी आ सकता है। तो डाइट के रिगार्डिंग भी मेरा कोई डाइट ऑन पॉइंट नहीं चलती है, क्योंकि देखिए हफ्ते में 3-4 दिन बिजनेस मीटिंग्स रहती हैं, उसमें मैं सैलेड नहीं खा सकता हूँ, बहुत देर मीटिंग चलती है तो मुझे कुछ ना कुछ खाना खाना पड़ता है, वो अधिकतर टाइम गंदा ही होता है। तो अब आज गाड़ियाँ प्रिपेयर करके मैंने घर पर रख दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में पीछे से कोई दिक्कत आए, कुछ आए, तो लोग एकाएक गाड़ी के रिगार्डिंग कोई इशू ना आए, आदमी फटाफट गाड़ी लेके इमरजेंसी में जो काम हो वो कर ले। और फिर बिजनेस मीटिंग है कल के लिए, पैकिंग वैकिंग करूँगा, और अभी शाम को मेरी एक मीटिंग है, तो उसके पहले मैं अभी शेव वेव करा के आऊँगा। छोटी सी मीटिंग है, कोई सीरियस मीटिंग नहीं है, कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मेरे होटल में ही होगी, ताज पैलेस में। तो मैं आपको ताज पैलेस पूरा पूरा टूर देने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मैं रुचि को लेकर घर जा रहा हूँ, और अब हम मिलेंगे सीधे दिल्ली में। और ताज पैलेस में हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ चेक इन करा के मैं आपको रूम टूर दूंगा और फिर शाम को खाने चलेंगे। तो होटल तो बहुत ही शानदार है,
और होटल के अंदर ही एस्केलेटर भी है। तो आप, मैं पहली बार किसी होटल में जा रहा हूँ। मैं ताल के कई होटल्स में रुक चुका हूँ, बट पहली बार मैंने कहीं एस्केलेटर देखी है। और यहाँ की लॉबी भी बहुत अच्छी है, प्लस होटल बहुत ही सुंदर है, शैंडलियर बहुत ही शानदार है। और वहाँ कई जाके गार्डन है, सो आई एम गोइंग अप अगेन। तो अब बिजनेस मीटिंग फिनिश करने के बाद मैं शाम को खाना खाने जाऊंगा, और धीरे धीरे आपको ब्लॉग्स में सारा होटल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, ताज का अपना शॉपिंग डेस्टिनेशन सॉर्ट ऑफ है खजाना करके, तो आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर, चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो ये लॉबी, और हमें 5th फ्लोर पे रूम मिला है, ब्यूटीफुल लॉबी। और अब चलते हैं, तो 5th फ्लोर का रूम मिला है, 511। बहुत ही अच्छा होटल है, 511। और ये रूम है, रूम टूर, ताज पैलेस, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले यहाँ जनरल चीज़ें, आप अपना सब सामान वामान यहाँ रख सकते हैं, कपड़े टंगा सकते हैं। ये वॉशरूम है, बहुत सुंदर सा टब, बहुत ही सुंदर वॉशरूम है, परफेक्ट, वेरी नाइस टब। और ये कुछ व्यू मिल रहा है यहाँ से, रूम कुछ ऐसा है, यहाँ दो जने बैठ सकते हैं, टीवी, बॉटल्स। और मैं क्योंकि ताज की कई प्रॉपर्टीज़ में रखता हूँ, मुझे पता है कि अंदर फॉरेस्ट एसेंशियल का सारा सामान रखा होगा वॉशरूम के अंदर। ओ वाह, वी गॉट द पूल व्यू, पूल। और ये होटल से कमरे से हमारा व्यू मिल रहा है, सामने मेट्रो जा रही है, पूल बहुत ही शानदार है। सो दिस इज़ बेसिकली द रूम ऑफ ताज पैलेस न्यू दिल्ली। तो मैंने आपको रूम टूर दे दिया है, और रूम बहुत ही शानदार है, और यहाँ से तो बहुत ही शानदार व्यू मिल रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरा पूल व्यू है। और आते ही इन्होंने सबसे पहले हमें एक ड्रिंक दी, तो मज़ा आ गया, ड्रिंक पीकर बहुत ही अच्छी है। अब मैं थोड़ी देर बाद पूल में जाऊँगा, और पूल में जाने के बाद शाम को अपने खाने पीने जाएंगे। पहले अभी मेरी बिजनेस मीटिंग है, तो उसके लिए मैं चेंज करूँगा, फिर मीटिंग निपटाने के बाद पूल में, पूल के बाद खाना खाने जाऊँगा। और कल सुबह जैसा भी रहेगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा होटल का टूर देते रहूँगा, एक वीडियो में पूरा नहीं डालूँगा। आप 2-3 वीडियोस मेरे जाएंगे, तो आप उसमें होटल के कई पार्ट्स देख सकते हैं, तो आप लोग बने रहिए। और यहाँ पर इन्होंने इको फ्रेंडली यहाँ बॉटल्स रख रखी हैं। और थोड़ा सा मैं रूम टूर में और दिखा देता हूँ कि यहाँ आपका फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ मतलब बेसिकली जैसे 5 स्टार्स के रूम में होती हैं चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही है। बट हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और टब बहुत ही अच्छा है इसका। तो मीटिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं पूल में चले जाऊँगा, और पूल से आने के बाद मैं रात में जब खा पी के आऊँगा, तब मैं आराम करूँगा। तो रूम काफ़ी अच्छा है, अब मैं तैयार होके मीटिंग अटेंड करता हूँ, उसके बाद आप लोग को पूल में नहाने के बाद मैं शाम का खाना कहाँ खाने जाएंगे हम लोग, वो दिखाऊँगा। तो ये बेसिकली होटल है, और यहाँ पर आप साइड में जा, मैं अभी दिखा रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठ सकते हो। और अभी 3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पर फंक्शनल हैं, पूरा हरियाली है, सामने मेट्रो की लाइन है, मेट्रो जा रही है, ये पूल है जिसमें मैं अभी जाने वाला हूँ मीटिंग ख़त्म करने के बाद। और जिम मैं आपको कल दिखाऊँगा जब मैं सुबह जाऊँगा, आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो मीटिंग अब ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद मैं चले गया था पूल में, और पूल से आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ हो, मतलब ऐसा हो सकता है। मैं पूल से आ रहा, आप देख सकते हो पूरे बाल अभी गीले हैं, नीचे से आ रहा, मेरे साथ लिफ्ट में एक बंदा खड़ा, उतने में देखा एक लड़की आई, उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड, और वो लड़की थी सारा अली खान। और मैं और वो बंदा लिफ्ट में, और मुझसे लिफ्ट का बटन प्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा कि मैंने कहीं देखा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, मतलब आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर, मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा। उतने में देखा सारा अली खान, बट वो शायद स्पा से आई थी, सो दैट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम टू आस्क फॉर अ पिक्चर, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट
मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फिल्म स्टार मेरे से मतलब लिफ्ट शेयर करिए, इतना मतलब लिटरली एक लिफ्ट में हम दोनों थे, वाओ दिन बन चुका है मेरा। ऑल दो सारा अली खान को मैंने कोई इतनी पिक्चरों में मैंने उसकी इतनी पिक्चरें नहीं देखी है, बट आई एम टेलिंग यू कि मैंने पहली बार लाइफ में किसी फिल्म स्टार को देखा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक बार मैं जब ताज विलेज में था गोवा में, तो मेरे साथ पुनीत राजकुमार जी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है थे, उनके साथ मैंने जिम में एक्सरसाइज करी थी, और तब भी मैं फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि मेरा कैमरा था, फ़ोन था वो कमरे में था, और आज भी मेरा फ़ोन क्योंकि मैं स्विमिंग करने गया था तो कमरे में रह गया, और मैं फिर से मिस कर गया फ़ोटो लेना, बट मज़ा आ गया। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टब में, और टब से थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैं अब जाऊँगा शाम को खाना खाने, और वो पूरा जो मैं शाम को खाना खाऊंगा, थोड़ा होटल का पार्ट और दिखाऊंगा, जिम दिखाऊंगा, वो सब आएगा पार्ट टू में। तो अभी मैं आपको अपना एक दो चीज़ें दिखाता हूँ कि हमारा बाथरूम कैसा है, फिर अगले व्लॉग में शाम को हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ क्या खाएंगे और कल का दिन कैसा होने वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम, और उसके बाद ये पहला पार्ट ऑफ द वीडियो ख़त्म होता है। और बाथरूम जो है वो बहुत ही मतलब मॉडर्न है, आप देख सकते हो वैनिटी के बटन से बाथरूम के ये बटन हैं। उसके अलावा आप अगर अंदर आते हो तो मेरा टब यहाँ भर रहा है, और ताज जैसे कि मैंने गोवा के ब्लॉग में भी दिखाया था, फॉरेस्ट एसेंशियल का ब्रांड यूज़ करता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रॉपर मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड है, अगर आप कर्टेंस को ऊपर करेंगे तो ऐसे यहाँ कर्टेंस ऊपर हो जाएंगे, ब्लाइंड्स ऊपर हो जाएंगे, और आप अपने कमरे में देख सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द बाथरूम। तो मुझे ऐसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बाथरूम में हमेशा से अच्छी लगती है और काफ़ी अपील करती है, और वो आपको वहाँ व्यू मिल रहा है। ये मेरा टब में पानी भर रहा है, तो अब आप लोग पार्ट टू में देखेगा कि हम लोग शाम को कहाँ जाएंगे। तो ये पार्ट वन खत्म होता है, बाय बाय, वेट करिए पार्ट टू के लिए।